लेकिन पैसे से करोड़ गुना बड़ा है बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे। उनका मजाक उड़ाया जाता था कलाम साहब की उनकी पूरी टीम का कि इस बार एक बार और फेल होगा ना तो मुआवजे के घर से दो कट्ठा जमीन लेके मकान बना लूंगा तो खाने के स्टाइल को ही उन्होंने चेंज कर दिया जी कितना डेयर रहा होगा उनमें कि आई स्टेक माई एंटायर लाइफ अगेंस्ट माई अबिलिटी टू गेट वट आई वॉन्ट टू गेट तो नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लाइफ में कोई माइलस्टोन हासिल किया है और ऐसी ही पर्सनैलिटी आज मेरे साथ में है डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ना केवल एक टीचर हैं बल्कि एक मोटिवेशन स्पीकर राइटर ऑथर और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है दो बुक्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सर ने लिखी और इनमें से कई सारी बुक्स जो भविष्य में आने वाली हैं वो बुक्स भी लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करती रहेंगी लाइफ का सही मार्गदर्शन करती रहेंगी सबसे पहली बुक है विजडम ऑफ एक्सिलेंस ये बुक जब मैंने पढ़ी ना यू विल गॉट सरप्राइज कि कितने जबरदस्त कंटेंट को सर ने कितने दिल से कितनी इच्छा से लिखा है दूसरा यू आर अनस्टॉपेबल और आई थिंक सर ये दोनों बुक आ, आपको कॉमेंट बॉक्स में लिख कर भी लोग मंगवा सकते हैं, पे है। से भी कर सकते हैं। पर क्या होता है एक जो बुक रीडर है ना उसको बुक जब डायरेक्ट राइटर से मिलती है तो उसको बड़ी खुशी होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर ये बुक्स चाहते हैं तो अमेजोन या सर को आप डायरेक्ट सर के यूट्यूब चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे चैट बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में लिख भी आप बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं तो सर सबसे पहले बात तो ये रही कि जितनी शानदार आपने किताबें लिखी हैं वास्तविकता में ये कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जब किताब लिखता है ना तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड होती है लाइफ में कई बार ऐसा होता है विषम परिस्थितियों को झेलते हुए एक व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ किस तरह की रही क्या क्या चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस से आपने कैसे ओवरकम किया और कैसे आपने ये डिसाइड किया कि नहीं है मुझे लाइफ में लोगों को प्रेरणा की ओर लेकर जाना है और एक अच्छा कंटेंट बुक के माध्यम से वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है ओवर टू यू सर मुझे लगता है कि हर किसी की एक कहानी है जी इन द सेम वे मेरी भी एक स्टोरी है एक्चुअली ये जो बुक का काम है कॉन्टेंट डेवलपमेंट का काम है इंस्पिरेशन का काम है मोटिवेशन का काम है ये मैंने किसी को देख के या किसी से इन्फ्लुएंस हो के या किसी से अट्रैक्ट हो के मैंने नहीं किया okay. जैसा कि सर आपने मेंशन किया okay. कि संघर्ष रहता है जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं जीवन में सो इन द सेम वे मेरे खुद के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे मैं बहुत बुरे तरीके से डिप्रेस था माई पेरेंट्स अन इंटेंशनली दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस एंड माई साइकोलॉजी इनफैक्ट अगर मैं अपने थोड़ा आ, पापा का अगर जिक्र करूँ तो माई फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हा ऐवर काफ़ी दिल से वो सॉफ्ट थे लेकिन तमाम ता उम्र मेरा मेरा और मेरे पिताजी से एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन रहा मेरी सोच बिल्कुल अलग थी उनकी सोच बिल्कुल अलग थी तो कभी मैं कनेक्ट नहीं हो पाया अपने फादर से कभी नहीं हो पाया और फैमिली में भी होता क्या है कि जैसे एक माता पिता के दो तीन चार संतान होते हैं जी तो माता पिता को लगता है कि जिस तरीके से हम लालन पालन राम का कर रहे हैं उसी से उसी तरीके से रीता का भी करें उसी तरीके से शौर्य का भी करें उसी तरीके से गंगा का भी करें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जी हर हर बच्चे की एक अलग तरह की जरूरत होती है अलग तरह का माइंड होता है तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि जिस तरीके से अपनी दोनों मेरी दो बहन एक बड़ी एक छोटी है जिस तरीके से दोनों बहन को ट्रीट करेंगे इन द सेम वे अगर वो मुझे ट्रीट करेंगे तो मैं भी रिजल्ट दे, दे लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मुझे उस मोड में सुनना चाहिए जो हम स्कूल में या घर में सुना करते थे बड़े मजे के साथ जो बायुक और बाइक रुक टेन तक तो मैं ठीक से पढ़ा और उसके बाद इलेवेंथ क्लास में क्योंकि फादर का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा बट इमोशनल सपोर्ट एक बच्चे की जो शुरुआती जो समय होता है ना जैसे हम लोग कहानियां सुनते हैं गोविंद जसवाल जी की कहानी जो 2006 बैच के आई ऑफिसर बने जिनके फादर रिक्शा चलाते हैं अच्छा तो पैसा अगर पेरेंट्स दे रहे हैं ठीक है अच्छी चीज है लेकिन पैसे से करोड़ गुना बड़ा है बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे मॉरल देना सपोर्ट, देना, सपोर्ट देना, देना वो सब फीलिंग्स को समझना क्योंकि वो बच्चा का फॉर्मेटिव ईयर्स है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट नहीं बना है अभी जी तो आपको उसको सपोर्ट देना होगा तो वो सपोर्ट मुझे नहीं मिला जिसकी वजह से मैं इलेवेंथ फेल हुआ ट्वेल्थ फेल हुआ ग्रेजुएशन तीन चार बार फेल हुआ मतलब मेरी पूरा का पूरा एजुकेशन का बैकग्राउंड ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया ओके तो उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे लगता है कि लगभग दो साल तक मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं कैसे नींद आ, आ जाए मुझे मुझे नींद नहीं आती थी अच्छा देर वॉज ए पिलो बिसाइड मी एंड माई टीयर्स ओके हैड बिन स्ट्रीमिंग डाउन सो कंसिस्टेंटली कि सारा का सारा पिल्लो जो है वो गीला हो जाता था तो मुझसे ज़्यादा मेरे उस दुख की दास्तान अगर वो तकिया आज भी मेरे पास है तो तकिया बताएगा आपको कि कितना परेशान था मैं उस समय और उस टाइम पे फादर का जो डोमिनेंट चूँकि मेरे फादर की जो पर्सनालिटी थी वो डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट थे वो जी तो इतना डोमिनेंट थे कि मैं कुछ कह नहीं सकता था मेरे फादर का दो तीन फार्मूला था पहला फार्मूला था कि वो आ, कहते थे जब कभी मेरा कोई कॉम्प्लेन या कोई ऐसी चीज़ें होती थी तो कहते थे तुम इधर आ रहे हो कि मैं आ जाओ नहीं नहीं पापा मैं आ रहा फार्मूला था सुधर जाओगे कि सुधार दें तो इस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी थी जी एक एक बात बीच में रोकना चाहूंगा व्यूवर्स को एक बात कहना चाहता हूं कई बार क्या होता है कि हम किसी वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कुछ चीजें एंटरटेनमेंट के रूप में लेके जाऊं चीज़ों को ध्यान ध्यान से समझूं ध्यान रखिएगा या तो आप अभी पेरेंट्स हैं या आप अभी बच्चे हैं ये वीडियो उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इन दोनों में से किसी एक फेस में है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि कहीं बेस्ट पेरेंटिंग नहीं हो रही है या बच्चे के मन में कुछ अलग तरह के भाव आ रहे हैं इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़ सर ओवर टू यू तो उन दिनों जैसे कि मेरे मैंने अपने फादर के बारे में आपको बताया काफ़ी इनॉर्मस प्रेशर था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ आई स्टार्टेड डूइंग बी सी ए और आफ्टर वन ईयर आई ड्रॉप डिट आउट आई स्टार्टेड डूइंग बी कॉम फ्रॉम पटना डी डी ई आई ड्रॉप आउट तो लगभग हर किसी चीज़ में मैं क्या किया मेरा ड्रॉप आउट भी हो out. रहा था क्योंकि आई वॉज ऑन द था ऑफ डिलेमा मुझे समझ नहीं आ रहा था आई वॉज कम्प्लीटली एट ए लॉस और उन दिनों तो यूट्यूब चैनल पर कोई गाइड या काउंसलर होते नहीं थे कि यूट्यूब पर जाके हम लोग देख सकें और कोई थाने सपोर्ट करने के लिए तो ट्वेल्थ फेल सारा तो फेल ही होता रहा जिंदगी भर उसके बाद एक छोटा सा मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया स्नैपशॉट के नाम से वो भी दस परसेंट मंथली इंटरेस्ट पे लेके पच्चीस हज़ार रुपये मैंने इंटरेस्ट पे लिया था जिसका ढाई हज़ार रुपये मुझे मंथली सूद पे करना होता था अच्छा दस इंटरेस्ट जी वो कहानी आपको है दो दस uh, की दो हज़ार दस की बात बता रहा हूँ मैं पच्चीस हज़ार रुपये मैंने लोन पे लिया था वो बिज़नेस मेरा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया वो मॉडल ही पूरा ख़त्म हो गया और मैं डेट में आ गया लगभग उस जमाने में मेरे पास मेरे में एक डेढ़ लाख रुपए का डेट बहुत बड़ा डेट होता था बिहार में डेढ़ लाख रुपये उस ज़माने में क्योंकि बिहार जो फी पे कर रहे हैं वो भी बहुत नॉमिनल होती है नॉमिनल होती है वहाँ तो डेट को मैंने फिर क्लियर किया तो उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि मेरी दीदी गवर्नमेंट सर्विस में मेरी छोटी बहन गवर्नमेंट सर्विस में फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे तो एवरी टाइम ही पुट ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी की गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं उनका गवर्मेंट सर्विस अगर हो जाएगी तो सिक, मैं, मैं सोचता था कि वो चीज जो हर आदमी कर रहा है मुझे वो नहीं करना है और जहां सिक्योरिटी आती है वहां कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं बिल्ड होगा बिल्कुल और जब कॉम्पिटेटिव एज नहीं मिलेगा आपको तो आप बड़ी ग्रोथ पर नहीं जा सकते हो बिल्कुल ओनली चैलेंजेस कैन कॉस बिग ग्रोथ ये मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर था तो ये इन चीज़ों के बीच में मैंने सोचा कि मैं एक आ, स्कूल में पढ़ाऊँ तो बहुत सारे स्कूल मैंने काम किए लेकिन स्कूल में काम करते करते मुझे समझ आ गया कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसमें ना तो कोई एजुकेशन है न, ना तो कोई सिस्टम है मुझे समझ आ गया कि यहाँ से मेरा हाँ ध्यान रखिएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना तो सिस्टम है और ना ही एजुकेशन है ये बात मैं इसलिए भी फील करता हूँ सर हमारे बच्चे जो अब स्कूल एजुकेशन पार कर चुके हैं प्रोफेशनल एजुकेशन भी कर रहे हैं कॉलेज भी जा रहे हैं कॉलेज से आगे भी वाले बच्चे भी हैं तो मैं देखता हूँ जो चीज़ उनको पढ़ाई जा रही है वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती लॉ करने के बाद एक लॉ ग्रेजुएट जब कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करता तो वहाँ घोड़े खुल जाते हैं उसके तो जज साहब कहते हैं कि बेटा लगता है आपका पहला केस है जबकि तीन साल वो लॉ पढ़ के आए हैं लॉ पढ़ के इसीलिए हमेशा रिज्यूमे में लिखा जाता है कि आई एम मास्टर्स इन एम बी एम बी ए लिख दिया उसने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट जब एक्सपीरियंस लिखते हैं फ्रेशर तो आइदर यू विल बी यू विल बी अ मास्टर और यू विल बी अ फ्रेशर दैट इज़ अप टू यू कि आप मास्टर हैं या फ्रेशर हैं मास्टर्स होने के बाद भी फ्रेशर होते हैं हमारे देश में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट्री है ये जी <laughs> तो ये चीज़ें चल रही थी फिर जैसे मैंने एजुकेशन सिस्टम पर जब मैंने बात की सर तो अभी आप देखेंगे कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग और जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पी आई एस ए पी आई पी करके एक प्रोग्राम चलता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक तो मतलब स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हमारा रैंकिंग हंड्रेड के बाहर था काफ़ी टेरिबल रहा फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम नंबर वन पे माना जाता है अच्छा पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर वन पे एजुकेशन सिस्टम है मैंने काफ़ी एजुकेशन एजुकेशन को स्टडी किया तो मुझे ये समझ आ गया बहुत अर्ली स्टेज में ही कि यहाँ से मैं अपनी स्टोरी से क्योंकि मैं जब फ्रस्ट्रेशन में था मैं जब डिप्रेशन में था मैं जब डिस्पॉन्डेंस में था मैं जब डिस्ट्रैक्शन में था तो मुझे लग मैंने अपने आप को निकाला वहाँ से और एक ढंग की लाइफ मैंने बना ली अपनी ढंग की लाइफ जो होनी चाहिए थी उस स्टेज में मैंने ढंग की लाइफ बना ली जी गाड़ी वाड़ी सब खरीद लिया और बड़ा अच्छा चल रहा था लाइफ फिर भीतर से इनर कॉलिंग आने लगा कि अभिषेक तुम तो निकल गए लेकिन अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकलेक्टिंग द डेट बट मे दो हजार तेईस का इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने आर्टिकल पढ़ा थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस आर कमिटिंग सुसाइड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो 35 है, थ्री में 24 था। तो तो है में था था उस सिनेमा आने के बाद से 23 तो होना चाहिए था। जी वो बढ़ गया और। वो बढ़ बढ़ गया गया और It means कि अभी भी जो प्रॉब्लम है रूट्स में अभी भी वहां पर है तो मुझे लगा कि मुझे आगे आना होगा क्योंकि मैं उस स्टेज से क्या हो चुका हूँ क्रॉस कर चुका हूँ तो मुझे मैं हेल्प कर सकता हूँ वैसे बच्चों को क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो सारा बच्चा फर्स्ट आएगा नहीं दैट इज नॉट पॉसिबल जी अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि आ, क्योंकि हर बच्चा नंबर से पढ़ के हाई स्कोर ला के आगे नहीं बढ़ सकता है एक उसी में एक डांसर मिलेगा आपको उसी में एक कोरियोग्राफर मिलेगा हर एक की एक अलग अलग एबिलिटी है उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा हर व्यक्ति का अच्छा पेंटर नहीं हो सकता अच्छा डांसर नहीं हो सकता तो हर हर बच्चे का एक इंस्टिंगटिव इंटेलिजेंस है यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है उसका उसका इनहेरेंट इनबॉर्न पोटेंशियल है उसको हम लोग को नर्चर करने की जरूरत है तो मैं समझ गया फ्रॉम देअर आई अंडरस्टूड की आई एम द राइट पर्सन टू बिकम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर एंड ए स्टूडेंट कोच तो वहां से मेरे को इंस्परेशन खुद मिला और वहीं से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि ये जो स्कूल का जॉब है जिसमें आज अगर मेरी सैलरी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है हो सकता है काम करते 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 क्योंकि बिहार में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं सेवेंटी एटी थाउजेंड पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं करेंटली तो मैंने उसको क्विट किया कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है मेरे को एनी हाउ जब तक अभिषेक मैं जिंदा हूँ बच्चा एटलीस्ट जो स्टूडेंट है ना स्कूल से लेके कॉलेज लेवल का वो परेशान ना हो क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है मैं निकला हूँ मैं कैसे उसको सपोर्ट कर सकता हूँ और यकीन मानिए अमित सर दिस इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जब कभी कोई स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल सुसाइड करता है तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों नहीं कॉपरेट कर पा रहा हूँ मैं क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि सुसाइड तो एक टेम्पररी स्टेट है ठीक है ना सुसाइड के टाइम पे आपको सामने वाले के बिहेवियर को कैच करना पड़ेगा कैसा बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है खाना क्या खा रहा है बहुत सारी चीजें हैं जी तो ये सब चीजों को मैंने सीखा पढ़ा खुद पर लागू किया तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ऑथर भी बनना होगा स्पीकर भी बनना होगा रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ओके दैट आर सोल्ड इन इन द मार्केट मैं कमिटेड हूँ हर साल मेरी एक नई बुक आती है तो वो अपने अनुभव के माध्यम से अपने के से लिख रहा है। ऐसे नहीं है कि नंबर ऑफ बुक पब्लिश करनी है तो धड़ाधड़ कॉन्टेंट लिखे जा रहे हैं गूगल से उठाया इंटरनेट से उठाया कहीं और से सुना इधर बुक से लिया उधर बुक से लिया बहुत बेहतरीन डीप कॉन्टेंट इंटरप्ट आपके एक मित्र संग्राम सिंह आपके बहुत अच्छे मित्र जी सो so, उनकी स्टोरी मैंने आपसे डिस्कस की थी और आपसे परमिशन लिया था कि सर मैं चाहता हूँ पब्लिश करूँ आपने परमिशन दिया था कि आप पर उसको पब्लिश कीजिए तो मैं इंटरनेट पे गया तो आर्टिकल मेरे को बहुत सारे दिख रहे थे अगर मैं कॉपीड एंड पेस्टेड मैंने नहीं किया मेरे को चार घंटे लगे अप्रोक्स चार घंटे लगे मात्र मैं बीस लाइन लिखा हूँ फोर आवर्स में

आप इस बुक को डस्टबिन का रास्ता दिखा सकते हैं इमीडिएटली इसको तो रोकीजिए अगर आपके अटेंशन को ये कैच नहीं कर रहा है ये बुक जब मैं खुद तीन चार बार खुद पढ़ा हूँ तो कैसे एक आर्टिस्ट कोई काम करता है तो उसको बिलीव नहीं होता है मैं और भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ सर आप जानते ही रहते हैं इस चीज़ को जब मैं अपनी बुक को खुद पढ़ता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि अभिषेक तुमने क्या कर दिया और मेरा पूरा का पूरा कमरा जब मैं बुक लिखता हूँ ना तो उस कमरे में कोई मतलब ना कोई मेड ना ही कोई फैमिली मेम्बर कोई एंटर नहीं करता है पूरा का पूरा कमरा भरा रहता है कागज़ से स्टिकर्स से नोट्स से और बुक बिखरे पड़े रहते हैं और जब मैं लिख रहा होता हूं तो कहीं कोई थॉट आ जाता है नैपकिन पे स्टिकी नोट्स पे उसको पेस्ट कर देता हूं और कैटेगराइज करके घर पे रखे हुए हूं और वहां से उठा के उसको मैं पेस्ट करता तो हूँ बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलेगा फ्रेश कंटेंट मिलेगा नहीं ये तो आपकी बुक को जब मैंने पढ़ा तो मैंने आपको एक बार कॉल हाँ, करके भी कहा था आपने कॉल किया बिल्कुल डिफरेंट तरह का आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं तो अब मेरा जो अगला प्रश्न है ना ये उन लोगों से संबंधित है जिनको ये लगता है कि भाई मैं विपरीत परिस्थिति में हूँ मेरे पास ये सरकमसानसेज नहीं है या मैं उस तरह की एजुकेशन ले पा रहा तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा छोटे छोटे शहरों में तालुका में कस्बों में रहते हैं कि भाई आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है जो एक बड़े शहर के अमीर घराने में रहने वाले बच्चे के पास है क्यों क्योंकि इंटरनेट कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करता कि आप गरीब हैं आपको मैं कुछ और दिखाऊँगा ये अमीर है ये ब्यूरोक्रेट है ये पावरफुल है ये टॉप क्लास रेग डिग्नेटरी है तो हर एक व्यक्ति को एक जैसा कंटेंट दिखाता है जरूरत है तो उस गूगल सर्च में जाकर क्या चीज़ सर्च करनी है इसके लिए माइंडसेट तैयार करना तो पांच ऐसी टिप्स जो स्टूडेंट्स को या बिजनेस ओनर्स को या अंतरप्रेनियर्स को आप देना चाहते हैं कि भाई इन पांच बातों का ध्यान रखें आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही हो होगी सबसे पहली बात जो मैंने सीखी और लागू की है मैं वही बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया और इंप्लीमेंट किया है ग्रेट बाकी चीज़ तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाहर मेरा दायरा ही नहीं है जी तो सबसे पहली चीज फाइव लेटर्ड वर्ड है जी फेथ और फोर लेटर्ड वर्ड है वर्ड है फियर तो डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी बुक में द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में मैंने तकरीबन इस बुक को पढ़ा था चार पाँच साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ तो मैंने इस बुक को वहाँ पढ़ा और इस बुक का रेफरेंस मैंने पाया जो गिराट शायद आप नाम सुने होंगे दुनिया के जिग्नीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम मैंशनड है सबसे बड़े कार सेल्समैन हुए उनकी बुक्स मैंने पढ़ी थी सेल्स पर तो उन्होंने बताया था कि आप उनकी बुक को पढ़िए तो उनकी बुक में पढ़ रहा था तो वहाँ से मुझे जब वो उस बुक को मैं और मुझे याद है कि बुक मैं कहाँ पढ़ रहा था आई वॉज सिटिंग ऑन द शिट पॉट मैं टॉयलेट में था और वो बुक मुझे याद है भी, भी कि क्यों मेरे माइंड में वो कवर मतलब मेरे माइंड को इम्पैक्ट कर गया क्योंकि मैं अपने टॉयलेट में भी बुक्स वगैरह वहाँ पर रखता हूँ क्योंकि अगर 15-20 मिनट मुझे पॉट पर बैठना है तो कुछ कॉन्टेंट मैं कंज्यूम कर लूँ बड़ी कमाल की बात उसमें लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में जो भी मेरा होते हैं दो ही चीज़ पर होते हैं एक फेथ और दूसरा उस फेथ पे जो आप एक्शन ले रहे हैं और कहीं कुछ फेथ एंड एक्शन बस और कुछ नहीं है बाकी उन्होंने कहा कि अगर फियर आ गया तो दोनों चीज खत्म हो जाएंगे आप बैक टू जीरो हो जाओगे जी अभी हम लोग जब ऑफिस में बात कर रहे थे तो आपने कहा भी था कि सर क्या फैट टू फिट की वीडियो आप जब मोटे थे तब से बनाना शुरू कर दिया तो दैट इज बेस्ड ऑन फेथ एंड एक्शन बोथ द थिंग एग्जैक्ट फेथ था कि भाई इतना मोटा हूं वीडियो अभी बना रहा हूं भविष्य में पतला होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं है तो फेथ था तो उस पर एक्शन लिया तो रिएक्शन आया तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उस चीज को हासिल करने में उसको आपको प्रदान करने में आपको देने में बस जरूरत है राइट एक्शन लेने के लिए अपने फेथ के साथ यही कहना चाह रहे हैं सर बिल्कुल फेथ जो होना चाहिए वो अनशैटर्ड होना चाहिए अनफ्लिंचिंग होना चाहिए अनडिटर्ड होना चाहिए मतलब फेथ मतलब वो कमाल का फेथ होना चाहिए मतलब आप नेपोलियन हिल कहते हैं कि आई वुड स्टेक माई एंटायर लाइफ अगेंस्ट माई अबिलिटी टू गेट वट आई वॉन्ट टू गेट उनका नहीं। कहना है कि मैं सब कुछ तख्ते पे लगा दूंगा जिंदगी में सब कुछ कहते हैं वो मोहब्बत में कोई गालिब ने कहा है ना कि जब मोहब्बत में इंसान बदनाम नहीं हुआ हो जब मोहब्बत में इंसान उम्र देख ले जब मोहब्बत में इंसान पागल ना हो जाए तो फिर वो कैसी मोहब्बत? <laughs> तो वो विश्वास <laughs> की बात भी वही है <laughs> वो, वो, तो वो पाकिस्तान से एक महिला हैदर जो हमारे अंधा ही होता है वो इतना अंधा होता है लेकिन इतना नहीं पता था मुझे <laughs> कुछ कुछ प्यार उस अंधेपन के कारण अंधेरे में भी चला है ये भी होता है उसमें तो वो तो पहला पॉइंट तो फेथ है फेथ अगर आपको अच्छा फेथ में भी ये है ना कि पूरे अगर इंडिया की अब अगर आबादी 130 करोड़ है सपोज 140 करोड़ है तो 140 करोड़ में सिर्फ आप एक अकेले हैं जिसको आप ही विश्वास है ना येगा ये, ये कर, कर लेगा तो आपका क्या लेवल ऑफ कन्विक्शन है अगर आपका कन्विक्शन अगर आपका खुद में फेथ है कि नहीं मैं ये कर लूंगा और जब आप उस चीज को शुरू करोगे जब मैं आगे मैं अपनी जर्नी को जब पीछे से देखता हूँ तो मैं कभी कभी मिरर के सामने खड़ा होकर मैं काफ़ी इंट्र, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ और ये मैंने सीखा था दीपक चोपड़ा की बुक सेवन स्परिचुअल लॉज ऑफ़ सक्सेस में उन्होंने जी. बहुत सारी चीज़ें बताईं छोटी सी बुक है उन्होंने बताया था कि आप अकेले बैठिए और सोचिए कि कैसे क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया तो मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था तो

मैं भी हमेशा ही चाहता हूँ कि वैल्यूएबल कॉन्टेंट वो लोग मैंने प्रोग्राम का नाम लेजेंड्स ऑफ नेशन क्यों रखा इसका नाम तो कुछ भी हो सकता था वो लोग जो ऐसे माइल्ड बने हैं जो दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं प्रभावित कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं उनको सही मार्गदर्शन करा सकते हैं इसीलिए आज आप मेरे आप भी इस शो पर मेरे साथ में हैं तो फर्स्ट तो सर मैंने आपको बताया फेथ जी और एक्शन लेना जी सेकेंड पॉइंट जो भी आप कर रहे हैं क्रिएट न्यू बेटर एंड डिफरेंट थिंग्स जब तक आप जिंदा है ग्रेट ये तो करना पड़ेगा आपको नया करें बेहतर करें और निरंतर करते रहें और निरंतर का मतलब जब तक आप जीवित हैं मतलब क्रिएट न्यू बेटर एंड डिफरेंट थिंग्स एज लॉन्ग एज आर अलाइव और शायद अगर आपका बिजनेस है तो सर ज्यादा बताएंगे बिजनेस में आपके मरने के बाद भी चीजें बदलती रहनी चाहिए जैसे मार्केट चेंज कर रहा है तो मैं बिजनेस कोच नहीं हूं तो सर आपको अच्छे से बताएंगे बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा नई चीजों को नई चीजें जब मार्केट में आती है उसका वैल्यू हमेशा हाई होता है ग्रेट और जो चीजें पुरानी हो जाती हैं उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता market है मार्केट पर पहुंच जाती है उस काम को करने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं और जब जिस इंडस्ट्री में हजारों लाखों लोग होंगे तो जो प्रॉफिट है वो सब सब में में चला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसीलिए ना लाइफ में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये देखिए कि जिस बिजनेस में जिस प्रोफेशन में जिस काम में जिस स्ट्रैटेजी में आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं उसके भविष्य में आगे बढ़ने की कितनी संभावना है डेफिनेटली कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जो अगले पाँच साल में जाके ऑप्सुलेट हो जाएगी और फिर जाके आप तैयारी करेंगे कि अब एक नया काम शुरू करते हैं तो उससे बेहतर क्या है पाँच साल पहले का विजुलाइज करके आज से नेक्स्ट काम की तैयारी करें ताकि कि साल बाद जब वो आउटडेटेड हो तब तक आपका एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका हो डेफिनेटली ग्रेट तो कोई चीज नया जब आप कर रहे हैं क्रिएट दैट न्यू थिंक ओके उसके साथ अपने को नॉर्मलाइज कर लें उसको एक्स्ट्रीम पे ले जाए और उसके बाद छोड़ दें उसको ग्रेट फिर नई चीज में आए फिर उसके साथ नॉर्मलाइज हो जाए फिर उसको हाइट पे लेके जाए फिर छोड़ दे एक बड़ी जल्दी से उदाहरण देता हूं आप लोगों ने गाड़ी का नाम सुना होगा टोएटा का एक गाड़िया थी थी क्वालिश जी उसका मैं पढ़ रहा था फिगर की ऑन एन एवरेज चार हजार पर मंथ की सेल थी उसकी क्वालिस की क्वालिस की और पीक पे जा रही थी तो देन एंड देर उसके जो टॉप मैनेजमेंट है डिसीजन लिया क्वालिस वन द एंटायर वर गेस्टेड स्टाफर शॉक सर क्या कर रहे हैं आप ये इतनी अच्छी कार चल रही है आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं ये बहुत ऊंचाई पर जा चुकी है ये गिरेगी अब उसके गिरने से पहले राइट डिसीजन हाँ, उसके गिरने से पहले राइट डिसीजन लो और तब उसका एडवांस मॉडल नाम बताइए दर्शक अगर आप गेस्ट कर सकते हैं तो मैं बताता हूं टोयटा इनोवा उसी का एडवांस्ड मॉडल है ग्रेट वो पहली समझ गया टॉप मैनेजमेंट कि ये गाड़ी अब जाएगी तो उसी तरह से अगर मैं अभिषेक श्रीवास्तव हूं मैं एक ऑथर हूं मैं एक स्पीकर हूं या आप जिस भी फील्ड में, में, में है जिस भी प्रोफेशन में आप हैं आप जिस फील्ड में हैं आप देखिए इसमें नया क्या आ रहा है ऐसा ना हो कि आप जहां हैं सेचुरेशन पे आ जाएं स्टेगनेंट हो जाएं क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है वी ऑल नो दैट तो सेकेंड पॉइंट तो सर ये हो गया क्रिएट न्यू बेटर एंड डिफरेंट थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा बिल्ड रहेगा बिल्कुल ठीक हमेशा कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है ना कॉन्फिडेंस बहुत अलग गेम है मतलब कॉन्फिडेंस इज एन इटर्नल लाइफ टाइम अबिलिटी टू रिमेन काम कंपोस्ट सो दैट ऑब्स्टेगल्स बिकम अपॉर्चुनिटीज सेटबैक्स बिकम कम बैक्स एंड एडवर्सिटी बिकम्स एडवांटेज तो ये है आपका कॉन्फिडेंस इसी को हम लोग बोलते हैं तो लगातार कॉन्फिडेंट रहने के लिए ये काम आपको करना होगा और कई बार मैं भी अपनी वीडियोज में कहता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना लोगों के अंदर तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है यस पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल न्यूट्रल जैसे बढ़िया मैंने सर एक बार एक प्रोग्राम में पूछा भाई कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि भाई वेट लॉस किया जा सकता है वैट लॉस किया जा सकता है तो लगभग मैंने भी टारगेट किया कौन कौन से लोग हैं जो मोटे हैं और इस बात पे हाँ कर रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि पतले होने के लिए क्या करना चाहिए तो, तो सर बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया किसी ने कहा जी डाइट करनी चाहिए जिम करनी चाहिए योगा करना चाहिए एरोबिक्स करनी चाहिए किसी ने कहा कि भाई स्विमिंग करनी चाहिए किसी ने कहा कि भाई एक्सरसाइज के अलावा आपको रात को नहीं खाना खाना है गर्म पानी पीना है तला भुना नहीं खाना इतनी चीज़ें बताई कम से कम तीन तरह के सजेशंस हमारे पास आ गए तो मैंने कहा यही अंतर है की बातों को जानना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना लग दोनों अलग बातें हैं कुछ लोगों को विश्वास होता है कि यस आई कैन डू दिस हाँ मैं ये कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस है दूसरा कॉन्फिडेंस है यस आई कैन नॉट डू दिस कई लोगों को सुना होगा ना सुबह आठ बजे ना आठ बजे नहीं उठ सकता मैं पाँच बजे पाँच बजे नहीं उठ सकता मैं है ना यह भी एक कॉन्फिडेंस होता है नेगेटिव कॉन्फिडेंस कहते हैं कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता स्टेज पर बोलना है नहीं मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता अच्छा चलो उबला हुआ खाना नहीं मैं उबला हुआ नहीं खा सकता पूरा विश्वास है उन्हें ये भी विश्वास है बहुत अच्छा बता रहे और तीसरा तीसरा जो विश्वास है ना वो न्यूट्रल होता है जब चाहूंगा कर लूंगा नहीं मन किया तो नहीं भी करूंगा तो तीसरा विश्वास हो गया ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का विश्वास जो होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है ना 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 छोले भूटोरे नहीं छोड़ सकता मैं जिम नहीं कर सकता मैं ये भी कॉन्फिडेंस है और न्यूट्रल मुझे जरूरत ही नहीं है जब जरूरत लगेगी तो मैं कर लूंगा और हम चाहे तो जब मर्जी कर लें लेकिन वो चाहते ही नहीं है कभी तुम उनका यह बता दो कि तुम चाहो जब मर्जी लो तुम पर चाहोगे well तो तो तो, कौन -कौन क्या -क्या स्टेज पे आ जाओ फिर मैं कॉमेंट करता हूँ देखो इन्होंने क्या बताया था योगा करो वैसे योगा मत करना ऐसा पेट हो जाएगा देखो ये योगा करते हैं नहीं मैं करता नहीं हूँ सर मुझे पता है योगा करने से ठीक हो जाएगा वनडर आप बॉइल्ड फूड मत खाना क्योंकि देखो बॉइल्ड फूड खाने वाले का कितना पेट निकला हुआ है क्यों क्योंकि ये फूड के बारे में बता रहे तो खाते होंगे नहीं सर मुझे पता है पर मैं करता नहीं <laughs> तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव है, है, न्यूट्रल <laughs> न्यूट्रल है।, है, न्यूट्रल है बहुत बढ़िया थर्ड पॉइंट सर ये है excellent, excellent. ये डेयरिंग रखनी पड़ेगी कि जो जहां कोई नहीं जा रहा है वहां जाइए देखिए इसके पहले मैंने बताया न्यू बेटर डिफरेंट वो तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया पे आप करते रहोगे वो तो लाइफ टाइम का गेम है डेयर टू गो बियॉन्ड द अनोन का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से, से करेज टू थिंक डिफरेंट करेज टू इन्वेंट करेज टू ट्रेवल इन टू एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ जी एनकरेज टू कम्बैट द प्रॉब इन सक्सीड तो वो करेज आप में होना चाहिए कि आप जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ क्योंकि सर आप बिजनेस से तो रिलेट कर सकेंगे मैकडोनल्ड के जो ये जो फास्ट फूड कुछ जो फास्ट फूड जो चेन का जो सर्विस चल रहा है रेक रॉक रेक रॉक के बारे में मैंने पढ़ रहा था बड़ा बड़े कमाल की बात कि फास्ट फूड का कल्चर के पायुनियर कहे जाते हैं वो जी। बाद में पिज्जा हाट और ये जितनी भी चीजें वो बाद में, बाद में, में, बाद में, में आए थे ये क्या करते थे जनाब ये स्टूल लगा करके टेबल लगा करके उस समय तो मीडिया वैसा सोशल मीडिया वगैरह ऐसी चीजें थी नहीं जी। लोग को एजुकेट करते थे लोगों को कन्विंस करते थे कि भाइयों बहनों अमेरिकन को ये खाने का नया स्टाइल है बिल्कुल मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था जी तो खाने के स्टाइल को ही उन्होंने चेंज कर दिया जी कितना देर रहा होगा उनमें कि अब हम इसको शुरू करते हैं और आज मैकडोनल्ड्स अगर मैं गलत नहीं हो तो 500 प्लस यूएस बिलियन डॉलर की कंपनी आई एम नॉट रॉन्ग जी लास्ट मैं पढ़ रहा था कहीं तो 500 के आसपास बता रहा था मे भी अभी और ग्रो कर ही रहा और करेगा ही तो और बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है तो रे क्रॉक का वो डिस्टिंग फोटे था कि वो पहले ही समझ गया था कि ये जो

डर था ए पी जे अब्दुल कलाम साहब जब मिसाइल पे काम कर रहे थे जी तो बड़े बड़े ब्रांड्स में नाम नहीं लूँगा यहाँ उनकी बुक में आप पढ़ सकते हैं मजाक उड़ाते थे कलाम जी का क्योंकि उस समय उनकी उतनी ख्याति नहीं थी जी तो कहते थे लिखा रहता था, था बड़े बड़े ब्रांड कहते थे कि लगता है स्विच का बटन दबाना भूल गए थे इसीलिए मिसाइल नहीं उड़ी इस बार अगर फिर से फेल हुआ तो चूंकि मुआवजा मिलता था ना जिनकी जमीन वगैरह अगर मिसाइल में ले रहे हो हटा रहे हो चीजों को तो उनको मुआवजा तो एक और जगह उनका मजाक उड़ाया जाता था कलाम साहब की उनकी पूरी टीम का कि इस बार एक बार और फेल होगा ना तो मुआवजे के घर से दो कट्ठा जमीन लेके मकान बना लूंगा तो, कलाम साहब लिखे हैं सारी चीजें लिखे हैं तो कलाम साहब क्या करते थे वो एक ऐसा सपना देखे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए जी और एक के बाद एक एक के बाद एक मिसाइल बनाते चले गए तो ही ऑल्सो डेयर टू गो बियोर्थ हमारे एक मित्र है, साथी मित्र हैं 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 साथी आप जानते शशिश कुमार तिवारी जी।, जी तो जी। डायरेक्ट उनको हाँ, स्पीकर स्पीकर नहीं। तो कहा भी था मैंने भाई आपकी आवाज में इतना बेस है अगर ये आवाज मेरी होती <laughs> ना तो वाइगॉड गॉड मैं एफएम पर आरजे बना हुआ होता तो काफी मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ और तो काफी सीनियर शो पर भी आए हैं आपके शो पर भी आपका आप इस शो से पहले सर ही आए हुए थे okay. उनका शो भी लाइव आप यूट्यूब अच्छा, पर देखें तो देखूंगा तब तो बहुत अच्छा है थैंक यू सर शशि <laughs> सर अगर तो, शशि जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर बता देना ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे वीडियो सर भी देखते हैं एप्स <laughs> जी तो शशि सर का एक स्टेटमेंट बड़ा रहता है कि समृद्धि अगर आपको चाहिए तरक्की अगर आपको चाहिए अगर आपको सफलता चाहिए तो हमेशा सफल लोगों की भीड़ में हमेशा अच्छे लोगों की भीड़ में जो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं जो एफ्लुएंट माइंडसेट के हैं जो फार साइटेड हैं जो पॉजिटिव हैं उनके सर्कल में रहो और अगर मैं इसको समअप करूं तो उनका कहना यह है कि आप जिस भी लेवल के हैं उससे नेक्स्ट लेवल के दोस्त को आप बना लीजिए ग्रेट उससे नेक्स्ट लेवल के दोस्त आप बनाइए जिमरॉन कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स एन आई शेल शो यू योर फ्यूचर फ्यूचर ग्रेट तो आप जानते हैं कि जिमरॉन साहब ये गॉड फादर माने जाते हैं मोटिवेशन इंडस्ट्री के और बहुत नई नई चीज़ों को उन्होंने शेयर किया था हम लोगों के साथ आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं उनसे तो एक बड़ी कमाल की बात उन्होंने यही कही तो उन्होंने एक बात और कही थी यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू कीप अराउंड योर सेल उनका कहना था तो ये अच्छा ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना ये मैं आपसे सर शेयर कर रहा हो इसमें कुछ नया नहीं है जी यही रहीम कभी भी कहते हैं जी यही आ, महात्मा बुद्ध भी सिखाते हैं जी। यही गांधी जी भी सिखाते हैं यही विवेकानंद सिखाते तो हैं तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल रूल है रूल तो है तो आप कहीं जाएंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो हम भारत देश की बात कर रहे हैं आप चाइना जाएंगे आप नेपाल जाएंगे आप भूटान जाएंगे बांग्लादेश जाएंगे जर्मनी यूएस यूके कहीं भी जाएंगे वहां के सफल लोगों की भी यही परिभाषा है तो अच्छे अच्छे लोगों में अच्छे लोगों के सर्किल में आप रहिए द पावर ऑफ एसोसिएशन ओके विल एम्पावर यू ग्रेट तो एसोसिएशन का पावर एक हो जाता है जी। अभी तक तीन बताए बताएगी चार तीन चार हो गई चार हो गया पांचवी बात हम जानना चाहिए और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं जी अच्छी किताबें पढ़ें जी ठीक है ना बुक्स अच्छी बुक्स पढ़ें पॉजिटिव बुक्स पढ़ें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें और उन बुक्स में एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक एंटरप्रेनोर हैं तो एंटरप्रेनोर को कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए दलीन स्टार्टअप दलीन स्टार्टअप एक बुक है शानदार बुक है आप उसको पढ़ सकते Zero हैं टू एन सर तो सर तो ज्यादा बताएंगे <laughs> सर खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनोर अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि सर को मैं बतौर मोटिवेशनल स्पीकर बतौर इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में जानता था बट सर आप बिजनेसमैन पहले से हैं ये <laughs> एक इंटरप्रनर पहले से हैं ये मैं नहीं जानता था सो इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी टुडे सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अच्छी किताबें आप पढ़ें ठीक है जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करे जो आपके थॉट प्रोसेस को अच्छा करे होता क्या ना सर बुक रीडिंग से बहुत सारे फायदे हैं बट मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस टॉपिक को क्योंकि तो बुक रीडिंग पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो इतना तो मुझे पूरा भरोसा है फोटे ही आपका। फोटे है है या हमारा तो बहुत कुछ बात कर सकता हूँ बट दिस इज नॉट द राइट फोरम कि मैं बुक के बारे में ज्यादा चीज बताऊं बट समूं तो अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो सबसे पहली बात क्या है कि उससे हैप्पीनेस का केमिकल्स रिलीज होता है ग्रेट ठीक है ना डोपेमिन ऑक्सीटोसिन सेटोनिन एंडोरफिन ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जब आप बुक पढ़ते हो स्ट्रेस का लेवल कम होता है सेकेंड पॉइंट जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप अपग्रेडेड होते हैं आप अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्या करते हैं अपग्रेड करते हैं सॉफ्टवेयर सौप, मतलब अपग्रेड हो जाता है जिस तरह से ऐप में आता है कि भाई ठीक है आपका एंड्रॉइड पुराना हो गया अपग्रेड करो तो ये फायदा हो जाता है थर्ड क्या होता है बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ जो आदमी जो इंसान स्क्रैच से अपने बिजनेस को शुरू किया था या जो इंसान एज एन इंडिविजुअल बहुत छोटा था पहले

और सभी लोगों को इनवाइट करूंगा कि मैंने एक हज़ार बुक्स पढ़ ली है और काफ़ी और आप एक अलग इंसान बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरह के इंसान बन जाते हो बहुत कूल बहुत काम बहुत कंपोज बहुत ज़्यादा आप अपने में सीरियस भी रहोगे एंटरटेनिंग भी रहोगे मतलब एक अलग इंसान आप बन जाओगे छोटी छोटी चीज़ें जिससे जो आप परेशान हो जाते हो वो तो बंद हो जाएगी सर Great. वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी कोई भी सिचुएशन और क्लैरिटी इतनी आ जाती आप इतने क्लियर हो जाते हो इतने क्लियर हो जाते हो आपको वो दिखना शुरू हो जाता है जो एक आम आदमी देख ही नहीं देख नहीं पाता पाताइज नहीं, पाता। नहीं कर पाता है और मेरा मैं अपने निजी जीवन से बताऊं कि जब मैं स्कूल्स में पढ़ाता था तो आप उस समय शुरुआत किया था बड़ी छोटी मोटी तनख्वाह वहां मिलती थी तो आज स्कूल के टीचर और डायरेक्टर मतलब मुझसे मिलने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है अभिषेक जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ग्रेट और सबसे खुशी तब होती है जब वही जो साथी जो साथी टीचर्स हैं कुछ महिला शिक्षक हैं हालांकि जब महिला शिक्षक बोलते खुशी होती है। मैं तो शेयर करूंगा <laughs> महिला शिक्षक बोलते तो खुशी ज्यादा होती है कहती कि अभिषेक सर पता है हम सबको बोलते हैं कि हम आपके साथ काम किए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आप इनके साथ कैसे काम किए हुए नहीं आप झूठ बोल रही हैं हम बोले मैम कभी भी अगर ऐसा हो अगर मैं फ्री रहूं या ना रहूं आप बस कॉल कर देना मैं वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा कि मैं आपके साथ काम किया हुआ राइट तो great. ये एक फीलिंग है मेरा एक दोस्त है वो एक बार मेरे को कॉल किया मतलब अभिषेक कहाँ बोले कि अभी तो मैं घर पे हूँ अरे सुनो ना अब मेरी बेटी तुम्हारा कोई वीडियो देखी है किसी अ, बड़े आदमी के साथ हम उसको बोले कि मेरा दोस्त तो विश्वास ही नहीं कर रही है कि हम बोले क्या बात कर रहे हो बोले हाँ फ़ोन दो तो वीडियो कॉल किए तो उधर से बेटी थी उसकी करिए हाय अंकल हाय हम अरे हाय बेटा अंकल आप हैं आपकी तो वीडियो में देखती हूँ ये पैसे से कहाँ मिलेगा बिल्कुल ठीक बात ये मैंने वैल्यू क्रिएट किया है और मैंने कोशिश की है कि आ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं कंट्रीब्यूशन पहले होता है कस्टमर सर्विस पहले होता है कमीशन बाद में होता है ग्रेट कमीशन पहले मत रखिए कमीशन जिस दिन आप पहले रखिएगा आप खत्म हो जाइएगा कंट्रीब्यूशन पहले देखिए कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना आप, ज्यादा आप सोसाइटी हाँ, को हेल्प कर सकोगे और थोड़ा सा उसमें सर भी यहाँ बैठे हैं सर सरोकार करेंगे थोड़ा बिजनेस का दिमाग तो लगाना ही होगा तो रेवेन्यू फिर नहीं आएगा और अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप टीम डेवलप नहीं कर पाइएगा आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगा बनने के लिए बड़ा रेवेन्यू भी चाहिए और बड़ा रेवेन्यू कमाना कोई गलत बात नहीं है आप जब वैल्यू एडिशन किसी को देते हैं और उसके रिवर्ट में आप पैसा कमाते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है तो सर ये तो बात रही कि वो लोग बुक्स पढ़ें सब कुछ करें आज के इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए ना अक्सर मैं अपनी कविताएं बोलता हूं लेकिन आज मैं ये चाहूँगा आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि वो ठान कर देखें ठान कर देखो हृदय वाली कविता ना आप हमारी ऑडियंस को बोलें ये कविता सर की है और शब्द सर के हैं बस आवाज़ मेरी है और उस कविता के पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा बिफोर आई रिसाइड दैट पोयम कि आप कोई भी काम करें लाइफ में जिंदगी में जो मुझे लगता है जो मैंने किया है जिसकी बदौलत मैं थोड़ा बहुत कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहा हूँ वो ये है कि यू मस्ट हैव ए नोबल सोल और आपका जो सोल होना चाहिए काफ़ी नोबल होना चाहिए काफ़ी डिवाइन होना चाहिए तो नोबिलिटी ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने कलाम जी से सीखा है कलाम साहब से सीखा है तो वो उसको उसकी उसके लाइट को मत आप एक्सटिंग्विश कीजिए उसको उसको मत समाप्त कीजिए आप अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और अगर बिजनेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो लगभग हर आदमी अच्छा हो नहीं सकता हर आदमी के पास डिसिप्लिन तो है नहीं लेकिन अगर आप अच्छे हो जाते हैं आप में डिसिप्लिन आ जाता है आपका करेक्टर बहुत अलग हो जाता है तो बिजनेस तो आप बड़ा बना ही लीजिएगा ना बिल्कुल ठीक क्योंकि आपने फिर से क्या कर दिया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट कर दिया क्योंकि इतना अच्छा आदमी तो कोई है नहीं इतना टैलेंटेड आदमी तो कोई है नहीं तो लोग आपके पास आएंगे ही एंड फाइनली दैट पोयम विच इज कमिंग फ्रॉम द इनर डेप्स ऑफ माई हार्ट ठान कर देखो हृदय में क्या हो काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी यह ना सोचो नहीं यह मुमकिन नहीं याद रखो जो कर्म करेगा याद रखो जो कर्म, कर्म, कर्म करेगा कर। आप कुछ इसी तरह करते हैं ना स्टेज पे <laughs> भाग्य <गे> उसका दास <laughs> भाग्य सर ए, ए, हम लोग फिफ्टी फिफ्टी करें क्या ऐसा, करते, ऐसा करते, हैं। करते हैं फिर से शुरू करते हैं सर ठीक है ना ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी यह ना सोचो नहीं यह मुमकिन नहीं याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे पास है और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा और काम ना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा थक गए कदम तो क्या हौसला अभी बाकी है कम पड़ गई तो क्या आसमा अभी बाकी है और याद रखो तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा और सपना ये मेरा ही था बस मन में पछतावा रह जाएगा इसलिए ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं, नहीं यह मुख्य नहीं।, नहीं।, नहीं शुक्रिया दोस्तों आपके प्यार का डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वैल्यूएबल कंटेंट को ग्रैब करें और अमेजोन के माध्यम से या उनके यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट कॉमेंट करके आप उनसे अपनी बुक मंगवाएं स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित अमितमाश्वरी और मेरे साथ में डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी आपके सुनहरे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं जय हिंद जय भारत